एक पेरिगन फैल्कन आसमान में उड़ने वाला सबसे तेज पंछी होता है, पर क्या होगा अगर हम पेरिगन फैल्कन के सामने एक बाल्ड ईगल को रख दे तो? आज हम इन दोनों के बारे में कई सारे फैक्ट जानेंगे और देखेंगे इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। हम शुरुआत पेरिगन फैल्कन से करते हैं। पेरिगन फैल्कन एक मध्यम आकार की काफ़ी आक्रामक पंछी होती है। पेरिगन फैल्कन का सिर छोटा और साथ ही साथ उसकी चोंच भी छोटी होती है, पर उसकी चोंच काफ़ी नोकीली और धारदार होती है। एक मेल पेरिगन फैल्कन का वेट लगभग 700 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक का होता है। वहीं उनकी लेंथ लगभग 35 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि उनकी विंग स्पैन लगभग 75 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम पेरिगन फैल्कन की स्पीड की बात करें तो पेरिगन फैल्कन दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी है, पर मैं आपको बता दूँ पेरिगन फैल्कन की स्पीड लगभग 390 किलोमीटर पर आवर की होती है। पेरिगन फैल्कन डक, पीजन्स और सॉन्ग बर्ड का शिकार किया करते हैं। ये तो हमने फैल्कन के बारे में बात की, अब हम बाल्ड ईगल के बारे में जानते हैं। ईगल सबसे ऊंचा उड़ने वाला पंछी है। ईगल की आंखें इंसानों से 8 गुना ज़्यादा बेहतर होती हैं। ईगल अपने आक्रामक स्वभाव और अचानक झपट्टा मारने की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पंछी है। अब हम बाल्ड ईगल की साइज की बात करें तो एक मेल बाल्ड ईगल का वेट लगभग 3 से लेकर 6.3 किलो तक का होता है। वहीं उनकी लेंथ लगभग 89 से लेकर 96 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि उनकी विंग स्पैन लगभग 1.8 मीटर से लेकर 2.3 मीटर तक की होती है। बाल्ड ईगल लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। बाल्ड ईगल फिश, स्क्वेरल्स, रैबिट और रकून का शिकार किया करते हैं। ये तो हमने इन दोनों के बारे में कई सारी जानकारियाँ ली, अब हम इनके फाइट के बारे में जानते हैं। इस फाइट का विनर बाल्ड ईगल होगा, क्योंकि बाल्ड ईगल के पास पेरिगन फैल्कन से ज़्यादा बड़ा शरीर होता है। अगर पेरिगन फैल्कन चाहे तो इस फाइट से बच सकता है, लेकिन वो बाल्ड ईगल के साथ इस फाइट को कभी जीत नहीं सकता।